कंधमाल एक सेवाश्रम स्कूल छात्री प्रसव को नहीं उत्तेजना घटना जिला प्रशासन पक्ष 9 जनक विरोध में कार्यानुष्ठान आश्रम स्कूल समस्त शिक्षकों अन्यत्र बदली पदक्षेप नि एथिसह घटनार तदंत करी रिपोर्ट देबाकु विभागीय मंत्री उपजिल्लापालंकु निर्देश देइछन्ति। सेबडे एहाकु लज्जाजनक एवं राज्यरे महिला केते सुरक्षित ताहा प्रमाणित होइथिबा विरोधी अभियोग आनिछन्ति। कंधमाळर एक आश्रम स्कूल छात्री प्रसव स्कूल परिसररे नाबालिका जनक संतान जन्म देबाकु नै होइचई आ उत्तेजना हॉस्टलरे रहुथिबा छात्री जनक किभळी गर्भवती हेले एथिपाई दायी किए ताकु नै उठिछि बड़ प्रश्न। घटनारे कार्यानुष्ठान दाबी करी उत्त्यक्त लोके दारिंगबाड़ी छकरे रास्तारोक करिछंती। नाबालिका सह संपर्क रखिथिबा अभियोगरे प्रवीण कुमार प्रधान को गिरफ करिछि स्थानीय पुलिस। सेबडे कर्तव्यरे अवहेला पाई 9 जनक विरोधरे कार्यानुष्ठान नैछि जिला प्रशासन। स्कूलर प्रधान शिक्षक 2 जन मैट्रन 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट निलंबित होइथिबा बेले 6 जन को बहिष्कृत करा जायछि। प्रधान शिक्षकों निलंबन पाई सुपारिश करा जायछि। एथिसह घटनार तदंत करी 15 दिन भितरे रिपोर्ट देबाकु कंधमाल उपजिल्लापालंकु निर्देश देइछंती एससीएसटी मंत्री रमेश माझी। हेडमास्टर को सस्पेंड पाई लिखुचंती को तीनटा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सस्पेंड कर दिले मैडम एबे एएनएम डिसएंगेज हे गला दुईटा सीसीएस डिसएंगेज हे गले तापर ते मैट्रन डिसएंगेज हे गला बाकी जो भी टीचर्स रहिले 13 टीचर्स रे रिमेनिंग तंको तंकर ट्रांसफर करा जिवो। जिलापाल को मदर निर्देश दिया है सी तापर से अनुदान कोई संदी एवं गोटे रिपोर्ट सरकार को देबे खूब शीघ्र रिपोर्ट पाइला परे सेथिरे जो माने शामिल थिबे जो अधिकारी हंतु किंवा जेकोसी व्यक्ति विशेष हंतु निश्चित भाव से दंडित हे दृढ़ कार्यानुष्ठान राज्य सरकार ने। आश्रम स्कूल रे छात्री प्रसव घटना जेतिकी लज्जाजनक सेतिकी दुखदायक बोली कहिछि बीजेपी। राज्य रे महिला माने केते सुरक्षित ताहा एही घटना प्रमाणित करुछि बोली बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री प्रभाती परिडाक अभियोग करिछन्ति। कांग्रेस कहिछि घटनार सठिक तदंत होइ कार्यानुष्ठान न हेले पुणी दल राजरास्ता को ओल्हाइबो। केवल कंधमाल नुहे कोरापुट जयपुर नवरंगपुर मालकानगिरी ए भी रायगड़ा रे भी जो अंतेवासी माने हॉस्टल रे अछंती समय समय रे 12 वर्ष रु 14 वर्ष रो झियो माने छुआ जन्म करूथिवार दृष्टांत हम समस्तंको आंदोलित करूची राज्य सरकार ये सब ऊपर भी हात झाड़ी बसीची। महिला सुरक्षा ना रे एते भाव रे महिला माने निर्यातित होचंती आपणकर प्रति एपे ए अल्प दिन तळे बेल्टिकिरी घटना जायची तेनु जदि आर भी कोनोसी प्रकार घटना रा तदंत न हुए प्रति 15 दिन रे सेवाश्रम अंतेवासी स्वास्थ्य परीक्षा हेबा कथा काहिंकि ताहा करा जाउ नथिला। जदि करा जाउ थिला तेबे नाबालिका गर्भवती हेबा जणा पड़िलानी केमिति ना यहा पछरे रहिछि कर्तव्य रे अवहेला। कंधमाल रंजन दास को भुवनेश्वर मनोज जेना और महेश नंद न्यूज 18 ओडिया। ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारंबार गस्त 20 दिन में तृतीय थर पर ओडिशा आसुवा मोदी फोकस रे पश्चिम ओडिशा गस्त समय रे प्राय 1550 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करिबे प्रधानमंत्री। एथिपाय प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची तेरे पथर चेपा साधारण सभा मोदी कौन कहे अपेक्षा एपटे मोदी गस्त को नहीं आरंभ हो बयानबाजी। पश्चिम ओडिशा रे निर्वाचनी बिगुल फुंकिबे मोदी 1550 कोटी टंका प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण बलांगीर रे नरम हेबे ना बर्षिबे मोदी प्रधानमंत्री बलांगीर गस्त पई जोरदार प्रस्तुति। सूचना अनुसार मंगलवार पूर्वाह्न 9:50 रे रायपुर स्वतंत्र विमान रे आसी बलांगीर रेलवे हेलीपैड रे ओल्हाइबे प्रधानमंत्री। सड़क जोगे पूर्वाह्न 10:00 रे रेल स्टेशन कार्यक्रम स्थल रे पहुंचिबे। 40 मिनिटर कार्यक्रम भितरे रहिछे विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण पर हेलिकॉप्टर जगे पूर्वाह्न 11:10 रे बलांगीर पथरचेपा सभास्थली रे पहुंचिबे मोदी। सेठारे प्राय 45 मिनिट पर्यंत रहिबे मोदी। प्रधानमंत्री गस्त को दृष्टि रखे उभय स्थान रे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जायछे। टोटल 60 प्लाटून फोर्स हमें यूटिलाइज करिछे और 20-25 हमारा डीएसपी और
कमांडेंट मान तीन जन आनी डिस्ट्रिक्ट भी एसपी मान तीन मोबिलाइज कराई पर दिन प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम अच्छी बलांगीर देखिथे सहर सारा नगर सज्जा कार्यक्रम चली सारा लोकों भितर बहुत उत्साह अच्छी कि प्रधानमंत्री बलांगीर को आस मोदी फोकस रे पश्चिम ओडिशा एमिति भी पश्चिम ओडिशा रे बीजेपी भल प्रदर्शन करिछे 2014 निर्वाचन रे पश्चिम ओडिशा रे मोट 35 विधानसभा आसनरो बीजेडी 23 आसनरे विजय लाभ करितबा बेले कांग्रेस 4 ओ बीजेपी 8 आसनरे विजय लाभ करितिला तेबे बीजेपी रे मोट 10 विधायकंग मध्यरो केवल पश्चिम ओडिशा रो 8 पंचायत निर्वाचन रे मध्य बेस भल प्रदर्शन करिछे बीजेपी केवल बलांगीर जिल्लार 33 जिल्ला परिषद जोन नु बीजेपी हाथ को जाइथिला 23 जोन बीजेडी 8 ओ कांग्रेस 2 जोन रे जितिथिला सेभली बरगढ़ मोट 34 जिला परिषद जोन रु बीजेपी जीतिला 25 जोन ने बाकी 9 जाइथिला बीजेडी खाता को एनएच बाईपास बलांगीर लगे एमएसपी रो जो 50% इनक्रीज करबा कथा आउ कटा भांजी रे गोटे वैगन फैक्ट्री दाबीटा बलांगीर खुर्दा रेलवे लाइन जहाँपाई ओडिशा सरकार नवीन पटनायक स्वयं 50% पैसा देखते जमीन मगनार देखते ये सब जिन आम आशा कर भारत वर्ष जहाँ सब लोक देखुं साधारण मनुष्य जो आवश्यकता रही है जो हिसाब करा जाए मोदी ये प्रचार में किसी परिवर्तन हम नहीं कांग्रेस पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा बहुत भल दीर्घ समय सरकार शासन कला भितर भी आज जो प्रकार चाषी मृत्यु होउछि अभावी धान बिक्री होउछि एवं जो स्कूल रे टीचर नहांती हॉस्पिटल डॉक्टर नहांती ए समस्या गुडा को निश्चित भाव रे लोकलोचन को आनी ताकर वक्तव्य रखिबे प्रधानमंत्री को घन घन ओडिशा गस्त रे उत्साहित राज्य बीजेपी तेबे एहर कोन प्रभाव पडुछि ता उपरे रहिछि नजर बलांगीर रु चंद्रभानु मोलणांग सह भुवनेश्वर रु महेश नंद ओ मनोज जेना न्यूज 18 ओडिया 2019 साधारण निर्वाचन बैतरणी पार पाई एबे फोकस रे महिला महिला वोट पाई बीजेडी बीजेपी ओ कांग्रेस मध्य रे आरंभ होई जायछि प्रतियोगिता स्वयं सहायिका गोष्ठी को परे अंगनवाड़ी कर्मी को पाई पैकेज घोषणा करिछंती सरकार जहां कुने आरंभ होईछि आरोप प्रत्यारोप भोट देथिले 1,11,00,000 महिला पुरुष भोटरों तुलन में महिला भोटर थिले अधिक महिला भोटरों तीन दल रे प्रतियोगिता अंगनवाड़ी कर्मी को पाई नवीन को पैकेज घोषणा परे सेलिब्रेशन रो परिवेश राज्य रे 1,00,000 अधिक अंगनवाड़ी कर्मी को ये सरकार को नुआ वर्ष भेटी तेबे निर्वाचन पूर्वरु महिला भोटरों पाई ये थिला नवीन को आउ एक चाल ता पूर्वरु विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे महिला को 7,00,000 टंका पर्यंत चिकित्सा सुविधा महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी को आर्थिक सहायता सह मोबाइल खुशी योजना रे छात्री को मागणा रे सानिटरी नैपकिन व्यवसाय पै महिला को 30,000 टंका पर्यंत बिना सुध रे ऋण भली पदक्षेप नै सरकार महिला को आस्था भाजन पै उद्यम करिछंती ता सहित 33% संरक्षण कार्ड भी खेली बीजेडी कांग्रेस यह निर्वाचनी थोप कहुता बेले बीजेपी कही केन्द्र आसुवा अर्थ को निज नाम कर राज्य सरकार केन्द्र सरकार जिते टा दे टा दे टकर केन्द्र योजनार टकर जो अर्थ आसूची विभिन्न विभिन्न योजन भाग बंटा कर दौरान आम दावी करवाड़ी कर्मी मैंने मिनिमम 10,000 टाँचा मसक दि जाऊ 10,000 टाँचा दि नजरपाई निश्चित महिला कंग्रेस जाकि अंगनवाड़ी कर्मी मान घरे घरे बुझेब 7,500 टाँचा नहीं कि तुम्हें खुशी हुआ बीजेडी कहिछि कौनसी महिला कार्ड नुहे महिला को सामाजिक सशक्तिकरण करबा हेउछि तांक सरकार लक्ष्य विरोधी ईर्षान्वित होइ एभलि अभिजोग आणुथिबा कहिछन्ति बीजेडी मुखपात्र प्रशांत नंद आउ ओ ताकर जो पावणा पाइबा कथा सेतरे केते परसेंट केन्द्रर केते परसेंट राज्यर ए सब बिस्क्री गोटे खोला मंचरे आलोचना हो ताले जानि परिबे जे केंद्र सरकार
ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ତେବେ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ପତିତ ପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଭରିଛି କାଳିଆ, ତେଣୁ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସବୁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛନ୍ତି ନୋଡାଲ ଅଫିସର। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। କାଳିଆକୁ ନେଇ ଚାଷୀକୁଳ ଉତ୍ସାହିତ, ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ମିଳୁଛି ବୀମା ସୁରକ୍ଷା, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଅଧିକ ଚାଷୀ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇ ଚାଷୀମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯୋଜନାର ସୁପରିଚାଳନା ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଚାଷୀ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଶୁଣିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ମୁଁ ଫର୍ମ ମାଗିକି ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନିଜେ ମୁଁ ପକାଇଲି। 835 ମୋ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ। ସେହିପରି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର। ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ସହିତ ଆବେଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବି ଆମର ଯୋଜନା 15 ସୁଦ୍ଧା ଗୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଉ ଯିଏ ଖାଲି କ'ଣ ଯେ ଚାଷ କରିକି ଏମିତି ରହୁଥିବେ, 3 ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କାର୍ଡ଼ର ସବୁ ଜେରକ୍ସ କରିକି ସେ ଫର୍ମ ସହିତ ଗୁନ୍ଥିକି ଦେବେ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 24 କାଳିଆ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ଆଜିଠୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 80 କର୍ମଚାରୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଆବେଦନ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କେମିତି ଦେବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି କେଉଁଠି ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାଟିବା ପାଇଁ ରେଡ଼୍ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଯାହା ବି କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କର କ୍ୱେରି ରହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱେରି ରହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଆସୁଛି, ଆଉ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ନାଁ କାହିଁକି ଆସିନି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତା 15। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, ଗଞ୍ଜାମରୁ କୈଳାଶ ବେହେରା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସାଧାରଣ ସଭା କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରା ଟିମ୍ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ସେବାଶ୍ରମରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ, ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ କହିଲେ 19 ଶାସନ ପରେ ବି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି, 1750 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1100 ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା, ପାଣି, ବିଜୁଳି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଆସନ୍ତା 100 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାହାନଗା ଓ ଯାଜପୁରର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଯାତ୍ରା ସହ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସୋରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ,
एठिकार विधायक गुंडा राज को जवाब देवाई पड़ो एठिकार युवक मानकर अधिकार को तंगर हक को लड़े करवाई ये कार्यक्रम आयोजन करा जाए। केन्द्र सरकार 1750 टंका क्विंटल पिछा पठेले राज्य सरकार मिलर मान संगे बुझामणा करी चाषी मान हजार टंका किणिले निर्वाचन पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री दलाल मान संगे मिसिकी मधुचंद्रिका करी कोटी कोटी टंका लूट कर राज्य सरकार चाषी को पाई केवल कुंभीर कांदणा कांदुछंति राज्य में बेकारी संख्या वृद्धि पाई बेले महिला सुरक्षा देवारे विफल होईछि बीजेडी सरकार। नवरंगपुर कोसागुमुडा चाषी समावेश रे राज्य सरकार को टार्गेट करी एहा कहिछंति पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक। एहि अवसर में बीजेपी को मध्य टार्गेट करिथिले निरंजन। राज्य में कांग्रेस सरकार आसिले चाषी ऋण छाड़ जलसेचन व्यवस्था करा पीसीसी सभापति 10,000 रु अधिक चाषी एहि समावेश रे जोग देथिले। लोगों का विश्वास राहुल जी पर कांग्रेस में बंद रहा कारण तीन प्रदेशों में सरकार बनी और जीतने के बाद जिस तरह से किसानों के लिए राहत दी गई मैं समझता हूँ किसान कांग्रेस के साथ होगा दलित पिछड़ा युवा कांग्रेस के साथ होगा सरकार एवं पार्टी नेता पार्टी सरकार से उद्देश्य रे निरंजन पटनायक चाषी मान उद्बोधन दौरान चाषी मान को नहीं आगामी दिन में सरकार के लिए जोरदार संग्राम करा जेबो आगामी निर्वाचन में दल को निश्चित भाव जोय देबो। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार अवसर राहुल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टार्गेट कर 2019 रे मु नुहे जनता मोदी को हटाइबे देशर कृषक क्षुद्र व्यवसायी और युवक हटाइबे मोदी प्रतिश्रुति देथिले 5 वर्ष भितरे देशर परिवर्तन आनिबे आउ आनिछंती सत किंतु भूल तरीकारे मैं नहीं हटाऊंगा। हिंदुस्तान की जनता हटाएगी हिंदुस्तान के किसान छोटे दुकानदार युवा नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 5 साल में हिंदुस्तान को बदल देंगे बदल दिया मगर गलत तरीके से बदला। जो भरोसा लोगों में था मुझे याद है जो भरोसा युवाओं में था वो आज टूट गया है। मुझसे बात करते हैं कहते हैं हमारा बेवकूफ बना दिया मोदी जी ने हमारा टाइम जाया किया नरेंद्र मोदी जी ने इनको अब हम निकालने वाले हैं ये हिंदुस्तान की भावना। अभिनेत्री निकिता मृत्यु घटना रे जोड़ी हुई छी नुआ फर्द न्यूज 18 ओडिया को चांचल्यकर बयान देछंती निकिता ननंद। निकिता तले पड़ा पूर्व उद्धार पर उद्यम करते स्वामी बापा और भाई तेज यह खंडन कर निकिता बापा अभिनेत्री निकिता मृत्यु नहीं खोलुछे नुआ फर्द छातरु तले पड़ा पूर्वरु निकिता उद्धार पर उद्यम करते स्वामी लिपन बापा और भाई तीन जन जाक निकिता हाथ धरीते प्राय 7 मिनिट हेले शेषे से पड़ जाते एभली चांचल्यकर तथ्य प्रदान करते निकिता ननंद यार भितर न्यूज 18 ओडिया हाथ में लगी निकिता मृत्युर 4 दिन तलर विजुआल 4 मास पुओ को धरी डिसेंबर 31 तारीख दिन निकिता प्रथम थर लगी तांको सासु घर को आसीथिले सेई विजुअल रे निकितांको सह तांको स्वामी और ससुरंको हस खुशी करथुबार देखा जाइछि। भाई एक्चुअली हॉस्पिटल जो टाइम रे थिले से फोन करथिले जे नै एमते एमते प्रॉब्लम हे छि टिके घर को आसोंदु सॉरी हॉस्पिटल आसोंदु तडो आमे पुछिले कोन हे छि ना एमते निकिता हटात जेंके छात पर दौड़ी के सुसाइड करयो अटेम्प्ट नै छि तडो आमे जतल पछे पछे के धैलनी कहेंगे ना नै आमे समस्त धरतिलु तार बापा भी धरतिले ता भाई भी धरतिले हेले के संभाली पारलेनी तको तबे सेवारंक कथा को खंडन करिछंते निकितांक बापा तांक कहिबा मुताबिक घटना घटिबा समय रे छात उपर केवल निकिता और तंग स्वामी लिपन ही रही है लिपन ही छात उपर तलू को ठेली निकिता बापा अभियोग कर दुईज ही आउ ठेला मानते जहाँ है चुड़ी फुड़ी भांगी पड़ा तार स्पट रू भेरिएसन होती चाबी से बाहरी आउ तेणु से दृष्टि से ना तेणु तापर जड़े भी से मानने सामान्य ठेला ठेल भी तलु खसी पड़ा भी ये संभव नुहे से आप स्पट भेरिएसन करेंगे तेणु यहाँ क्लीयर गोटे मर्डर केस ये ठेली दि जा लिपन गिरफ हो सारी बेले फेरार बापा नपाई घरे लटका लगे पुलिस 19 तारीख दिन 11 सुधा थाना रे हाजर होगा लगे रही निर्देश।
ଇଏ ହେଉଛି ଛାତ ଉପରର ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରୁ ଖସି ପଡ଼ି ନିକିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଘଟଣ ଥିଲା ନା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ବି ଏକ ପ୍ରହଳିକା ହିଁ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ନମସ୍କାର।